hindmaasan.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानपुर और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी से जो कि रियल स्टेट में काम कर रही है। रियल स्टेट को गर्ल्स के लिए डोमिनेटिंग सेक्टर कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत के बल पर आज इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम ओरो रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड है वो रन कर रही है और वो महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं मिस मुस्कान खान से। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं, तो आप किसी भी सेक्टर में जा सकती थी लेकिन आपने रियल स्टेट ही क्यों चुना? रियल स्टेट चुनने की वजह कुछ खास रही, और खास वजह ये रही कि मतलब मैंने बचपन से जो माहौल में रही हूँ मैं, तो मुझे ये सिखाया गया है कि अपने लिए तो सभी जीवित थे, हमें दूसरों के लिए जीना आना चाहिए। तो रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर था जिसमें एक तो फीमेल्स बहुत कम थी, मतलब लोगों के लिए जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय ये बड़ी बात होती थी कि रियल स्टेट में फीमेल्स होती है करके। तो मैंने जब उसमें देखा, मैंने कुछ दिन जब रियल स्टेट ज्वाइन किया तो रियल स्टेट में मुझे दो तीन चीजें अच्छी लगी जो जिस स्पिरिट से मैं जाना चाहती थी। एक तो हम लोगों के घर के सपने को पूरा कर रहे हैं जो कि जिंदगी भर का सबसे बड़ा सपना होता है, अपना खुद का घर। इसमें दूसरी चीज इंदौर की या इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बेरोजगारी। मतलब 99% अगर मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम में गिनती हूँ तो वो बेरोजगारी को गिनती हूँ, जिसकी वजह से 99% क्राइम होते हैं। तो मेरा ये मानना था कि बेरोजगारी को हटाने के लिए अगर हम कुछ कर सके या मेरा कुछ भी अंश यहाँ पर रहे, तो इसलिए मैंने रियल एस्टेट को चुना क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेरोजगारों को या जो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में हम बताते हैं उनको कि कैसे हम हमारे क्लाइंट्स जो है जिनका खुद का अपने घर का सपना है या जो किराए से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी किराए से रहते आ रही है, उनके घर के सपने को कैसा पूरा करें, कैसे उन्हें अच्छी सर्विस दे, एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करें और उनके घर के सपने को हम पूरा करें। तो यहाँ पर दो लोगों की समस्या पूरी तरह से खत्म हुई, एक तो जिनको अपना खुद का घर चाहिए वो, और उनको सजेस्ट करने के लिए उनको गाइड करने में हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको एक इनकम का पार्ट मिलना स्टार्ट हुआ जिससे वो अपने पैरों पर खड़े होने स्टार्ट हो गए। दूसरी बात, मैक्सिमम जो कंपनी रहती है अगर मैं कोई दूसरे फील्ड को चूज करती तो मैक्सिमम कंपनी के ऑनर ये सोचते हैं कि कम से कम स्टाफ रखे जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाए, उनको सैलरी कम देना पड़े। यहाँ पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे पास में अभी 200 लोग काम कर रहे हैं तो 200 लोग नहीं 2,00,000 लोग काम करें, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार और ज्यादा पेमेंट देने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। तो इस तरीके से ज्यादा लोग सक्षम होते जा रहे हैं यहाँ पर, ये एक वजह रही है। ओरो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जिसके आप डायरेक्टर हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ओरो रियल एस्टेट, जैसा मैंने अभी बताया कि हम लोग एक तरीके से सेतु का काम कर रहे हैं, सेतु का काम कर रहे हैं मतलब इंदौर के अंदर ही ऑल ओवर इंडिया में जो बहुत बड़े कॉलोनाइजर होते हैं जो पूरी तरह से लीगल कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं कॉलोनी डेवलपमेंट करने के लिए। अब क्योंकि कॉलोनाइजर तो घर घर जाकर बता नहीं सकते कि मेरी ये प्रॉपर्टी है और आपको लेना चाहिए,
ठीक है। और वही दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी तो लेना चाहते हैं लेकिन दिन भर की दिनचर्या के बाद में समय नहीं निकाल पाते कि एक एक जगह पर जाकर प्रॉपर्टी विजिट करें या उनको ये पता चल पाए कि कौन सी प्रॉपर्टी उनके लिए उपयुक्त है, कौन से उनके बजट में है, लोन कैसे हो पाएगा, कितना हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेरोजगार जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, ट्रेनिंग देकर वो लोगों से संपर्क करते हैं, उनको सही प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं। हमारी कंपनी के अंदर ही लोन फैसिलिटी वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब क्लाइंट हमारे ऑफिस में आने के बाद उसको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसने प्रॉपर्टी च्वाइस करने से लेकर के उसके बजट के चीज दिलाने से लेकर लोन फैसिलिटी रजिस्ट्री और रजिस्ट्री के बाद में पजेशन तक की पूरी फॉर्मेलिटी हमारे एसोसिएट उनके लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये दो समस्याओं को खत्म करा है, एक तो कॉलोनाइजर की प्रॉपर्टी सेल करना, दूसरा क्लाइंट्स को एक अच्छी प्रॉपर्टी देना। और अभी ओरू रियल एस्टेट हमारा 2 साल का जो सफर रहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हमने जो भी प्रोजेक्ट लिए उसको समय जितना समय हमने फिक्स करा था उससे पहले उसको फिनिश करा है। बहुत सारे लोग यहाँ के थ्रू सक्षम हुए हैं, बहुत सारी फीमेल जो घर में काम करती थी जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो कभी आगे बढ़ सकती है, वो भी आज खुद के दम पर 50,000 से 1,00,000 रुपए महीना कमा रही है और दूसरे लोगों को सक्षम बनाने का काम कर रही है यहाँ पर। और इसके अलावा हमने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं 2 साल के अंदर, जिसमें एक फीमेल एंटरप्रेन्योर, बेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर का अवार्ड रहा, बेस्ट मार्केटिंग कंपनी का अवार्ड रहा, फास्टेस्ट ग्रोविंग कंपनी का अवार्ड रहा, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हमारे नाम हुए हैं 2 साल। आपने कहा कि काफी सारी फीमेल्स हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि रियल एस्टेट डोमिनेटिंग है गर्ल्स के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको हमारे यहाँ का एटमॉस्फियर देखकर ऐसा लगता है कि हमने एटमॉस्फियर इस तरह से किया हुआ है। बहुत सारी चीजों का हमने ध्यान रखा है, एक तो हम लोग हमारे जो एम्प्लॉइज है तो उसमें एक घर तो उनका वो है जहां पर उनका परिवार इंतजार कर रहा है, दूसरा घर ये है, यहाँ का एक अलग परिवार है। तो हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि सारी चीजें उनको फैसिलिटी जो है वो यहाँ से प्रोवाइड करे। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से चल रही है, जैसे कन्यादान फंड योजना हमारे यहाँ से चल रहा है, जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म काम करेंगे उनकी बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक की जिम्मेदारी कंपनी उठाने का जिम्मा ले रही है। इसके अलावा हमने मंथ हर वीक में एक कॉमन लंच प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें पूरा परिवार, मतलब हमारे ऑफिस का जो परिवार है वो इकट्ठा होकर लंच साथ में करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी हमने दी हुई है। ओरो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में जो ओरो वर्ड है, तो ये नाम रखने के पीछे क्या वजह है? ओरो नाम रखने की वजह ये थी कि एक तो जब मैं इसका नाम रखना चाह रही थी कंपनी का, तो उसमें मैं कुछ ऐसी चीज चाहती थी जो समृद्धि का प्रतीक हो, और उसमें ओरो जो है, एक तो इंडिया के अंदर ओरो कॉमन वर्ड नहीं था, एक नया वर्ड था, लेकिन अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो ओरो सक्सेसफुल नामों में से एक है। ओरो के जब मैंने मीनिंग खोजने स्टार्ट करे तो ओरो का एक मीनिंग निकला गोल्ड, गोल्ड यानी एक अच्छी चीज मानते हैं लोग इसको। दूसरा ओरो का वर्ड निकला माउंटेन, जो हाइट को दर्शाता है, और तीसरा ओरो का मीनिंग निकला समृद्धि। तो ये 2-3 मीनिंग्स जो थे वो मुझे काफी अच्छे लगे। ओवरऑल समृद्धि का प्रतीक है ओरो, इसलिए मैंने इसका नाम ये रखा है। ओरो की टीम के बारे में कुछ बताइए। ओरो की टीम, अगर मैं सही बताऊं तो ये 2 साल का सफर जो हम लोग फास्टेस्ट ग्रोविंग कंपनी में शामिल हुए हैं या बेस्ट मार्केटिंग कंपनी में जो शामिल हुए हैं, वो सिर्फ ओरो की टीम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और ऐसे प्रोजेक्ट जो बाकी के लोग मार्केट में ये मानकर बैठे थे कि इसको बेचना इम्पॉसिबल है, नहीं बेच पाएगी क्योंकि 6 साल से कोई और नहीं बेच पाया, हमारी जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने वही प्रोजेक्ट जो 6 सालों से नहीं बिक पा रहा था एक एक महीने में उसको फिनिश किया है। बहुत एनर्जेटिक टीम है, एक परिवार है हमारा सबका, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आने का टाइम नहीं दिखता है और जाने का टाइम भी नहीं दिखता है, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर तो रात के 11-12 बजे तक भी वर्किंग करते हैं, जो कि दूसरी कंपनियों के अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब ये अपनी खुद की कंपनी समझ कर यहाँ पर काम कर रहे हैं और काफी अच्छे लोग हैं। अपने बिजनेस को आप इतना वक्त देती हैं, तो फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? फैमिली के लिए भी क्वालिटी समय निकाल लेती हूँ मैं। ट्यूसडे हम लोग ऑफिस का ऑफ रखते हैं, तो वो जो ट्यूसडे का समय है वो फैमिली के साथ पूरा हम लोग भी स्पेंड करते हैं, बाकी के लोग भी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, और सभी लोग काम तो इसीलिए कर रहे हैं कि फैमिली को सक्षम बना सके, उसके लिए काम कर सके। अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? अभी तक हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हैं, सबसे पहले शुरुआत हमने ओमिक सिटी 1 से करा था, जो इंडिया की टॉप 5 कंपनी में शामिल है,
और वहां पर भी हमने चैलेंज की तरह उस प्रोजेक्ट को लिया था और हमने दिए गए समय से पहले उसको फिनिश करा। वहां के जितने भी हमारे क्लाइंट्स है वो सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट है, जिसको जिन जिन से हमने जो जो कमिटमेंट करे वो कमिटमेंट हमने पूरे किए हैं। और वो ओमेक सिटी 1 के बाद ओमेक सिटी 2 हमने किया है, ओमेक सिटी 2 के बाद में ब्रिटिश पार्क हमने सेल किया है, वहां पर भी लोगों को परमिशन मिल चुका है, लोग रहने जा चुके हैं और लोग सेटिस्फाइड है। उसके बाद में हमने साकार हिल्स किया हुआ है, साकार कॉरिडोर किया हुआ है। ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जितना समय हमने इसको सेल करने के लिए दिया था उससे कम समय में हमने इसको सेल किया, लोगों को हमने रजिस्ट्री करवा के परमिशन दे दिया है और सारे लोग वहां पर सेटिस्फाइड है, आज एक अच्छी लाइफ वहां पर जी रहे हैं और काफी मानते हैं, मिलने के लिए आते रहते हैं सभी लोग हमसे। अब जो हमारा नया प्रोजेक्ट चल रहा है वो साई प्राइम सिटी 2 खंडवा रोड पे आ रहा है। ओके, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ट्रेडिशनल वे में, डिजिटल वे में और लीडिंग मैनेजमेंट के? एक्चुअल में हम लोग मार्केटिंग के सारे तरीके अपनाते हैं, हम लोग सिर्फ किसी एक चीज को पर्टिकुलर नहीं करते हैं। मार्केटिंग के जितने तरीके हैं, चाहे वो डोर टू डोर मार्केटिंग हो, केनोपी लगाना हो, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग हो, प्रिंट मीडिया हो, ये वो सारी मार्केटिंग के तरीके हम लोग अपनाते हैं, जिसमें टेलीकॉलिंग वगैरह सारी चीजें ऐड हो जाती है, मतलब कहीं से भी हम लोग रास्ता खुला नहीं छोड़ते हैं। इन्वेस्टर्स जो आते हैं या जिन्हें घर लेना है या कहीं इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करवाते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले तो उनको सही डिसीजन लेने में मदद करना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों चीजें अलग होती है, एक होता है रेसिडेंशियल पर्पज और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से उनको किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद में कितने बजट तक, उनका बजट कितना है, उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो उनके लिए अच्छा रहेगा, कितने समय में उनको रिटर्न चाहिए वो भी हमें देखना होता है, क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए चाहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए चाहते हैं, तो वो भी हमें प्रोजेक्ट देखना होता है। तो ये सारी चीजों में हम लोग उनके डिसीजन लेने में मदद करते हैं और उनको एक लीगल प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं जहां पर उनको गारंटीड रिटर्न मिले। ओरो सोसाइटी के लिए एज अ हेल्पिंग हैंड के रूप में क्या क्या चीजें कर रहा है? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमने 3 लोगों की समस्याओं को दूर किया है, वापस से अगर मैं बात करूँ तो ये 3 नहीं, 1 और लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे यहाँ से जितने भी बेरोजगार लोग सक्षम होकर निकल रहे हैं, मतलब आज अगर 200 लोग मेरे पास में है तो 200 लोग जो सक्षम हो रहे हैं, जो महीने में 50,000 या 1,00,000 या उससे ऊपर पेमेंट कमाना जिन्होंने स्टार्ट किया है, उतने ही लोगों से हमारा हम लोगों ने एक कमिटमेंट लिया हुआ है कि अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में या गरीब बस्ती के अंदर या वैसे लोग, वैसे बच्चे जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो हर एक टीम मेंबर जो हमारे यहाँ से इनकम जनरेट करना स्टार्ट करता है वो एक गरीब व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अगर आज मेरे पास में 200 लोग सक्षम हुए हैं, मतलब 200 अनाथों को एक सहारा मिला है, किसी को पढ़ाई के लिए मिला है, किसी को और जरूरत दिनचर्या की जो जरूरतें होती है उसके लिए मिला है। और हम लोग मतलब मैक्सिमम जैसे बहुत सारे लोग अपना बर्थडे वगैरह जो सेलिब्रेट करते हैं वो होटलों में या पार्टियों में पैसा वेस्ट करते हैं, तो उसकी जगह हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि जिसका भी बर्थडे होता है हम लोग अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में ही सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे वहां पर। और इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हम अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में ही करें, हम लोग गरीब बस्तियों में या स्कूल में जाकर भी पता करते हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ना चाहता है, लेकिन फैमिली से सक्षम नहीं है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी भी हम लोग उठाते हैं। आपके बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग क्या है और आप बिजनेस को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 2025 तक मुझे नंबर 1 मार्केटिंग कंपनी में शामिल होना है, 50,000 लोगों को मुझे रोजगार देना है 2025 तक। तो ये मेरे 2 सबसे बड़े टारगेट्स है अभी। और रियल एस्टेट के अलावा कोई और बिजनेस जो आप प्लान करना चाहेंगे? अभी तो रियल एस्टेट के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। स्टार्टिंग की बात की जाए आपके सफर की, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई इसको स्टार्ट करने में? हाँ, प्रॉब्लम्स तो आई। एक्चुअल में आज जो आप सेटअप पूरा देख रहे हैं, जितनी अच्छी और जितनी लग्जरियस ऑफिस आप देख रहे हैं, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने एक चाय की गुमटी से स्टार्ट करा था बिजनेस, क्योंकि उस समय मेरे पास में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो मेरे पास में सिर्फ एक ताकत थी जो मेरी टीम की ताकत थी उस समय, और एक चाय की गुमटी में हम लोगों ने जो चेयर्स वगैरह रहती है वहां पर बैठकर मेरी पूरी टीम और मैंने वहां से स्टार्ट करा। हम क्लाइंट्स को वही बुलाते थे, वही समझाते थे चाय की गुमटी में, चाय के साथ में, और उसके बाद में हम उनको विजिट कराते थे और बुकिंग्स लेना स्टार्ट करते थे। बस ऐसी स्टार्टिंग हुई, धीरे धीरे लोगों ने हम पर विश्वास करना स्टार्ट किया, हमने उनको सही सर्विसेज देनी स्टार्ट करी, फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीजें होनी स्टार्ट हुई, ऑफिस हुआ, टीम बड़े, नई फैसिलिटी देनी हम लोगों ने प्रोवाइड करी,
यहाँ पर तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो थी, लेकिन हमने बहुत सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से सॉल्व किया उसको। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो मतलब आपको अपना बिजनेस रन करने में, जब आपको ये सोचना पड़ा हो कि मेरा इस सेक्टर में आना सही था या नहीं था? एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन कई बार आई है और मुझे हर बार एक ही आवाज आई कि मैंने जो सेक्टर चुना है वो बहुत अच्छा सेक्टर चुना है। मैंने दो बार गवर्नमेंट सर्विस के लिए एग्जाम दिए, क्योंकि घर वालों के सभी लोगों का, घर वालों का, समाज का, सबका ये मानना रहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनना मतलब एक सेफ सर्विस हो जाती है। तो उनके कहने पर मैंने एग्जाम दे दिए, तो दो बार सिलेक्शन भी हो गया था बाय लक लेकिन मैंने दोनों बार सर्विस ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि अगर मैं सर्विस कर भी लेती गवर्नमेंट सर्विस तो मुझे एक ये रहता कि मैं मेरा और मेरे परिवार का घर पाल रही हूँ। लेकिन आज मैं जो बिजनेस कर रही हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैं 200 तो मेरे एम्प्लॉई का घर पाल रही हूँ, दूसरा मैं जिनकी मदद कर सकती हूँ, जो डरते हैं अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, और सबसे मेन चीज कि मेरे जो एम्प्लॉई जो एक एक बच्चे को गोद लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी मतलब इतने सारे जो अनाथ लोग हैं, तो उनका भी हम लोग किसी तरीके से उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा काम है। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में मतलब ये चल रहा है फिलहाल कि इसमें कुछ स्कोप नहीं है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, स्कोप बहुत है, रियल एस्टेट में बहुत स्कोप है। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर मैं कोई दूसरा सेक्टर च्वाइस करती गार्मेंट्स से या किसी भी चीज से, तो शायद मैं अभी 200 लोगों की जगह 20 लोगों को रखने की कोशिश करती कि 20 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दूं। अभी मैंने बताया कि मैं 200 नहीं 2,00,000 लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग मेरी है, जिसमें 2025 तक मेरी 50,000 लोगों को रोजगार देना है, तो इसको काफी है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो जिसका उत्पादन नहीं होगा कभी भी, जितनी है लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, बाहर से लोग काफी आ रहे हैं रहने के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, तो उतनी प्रॉपर्टी की जरूरत रहेगी। तो ये ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं होना है, चलते रहेगा। ये रियल एस्टेट बिल आया है तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए या वो अपनी जगह सही है? मेरे हिसाब से सही है, रियल एस्टेट। ओके, रियल एस्टेट में काफी सारे कॉम्पिटिटर है, काफी सारी कंपनियां है, तो आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? एक्चुअल में मैं अगर मार्केटिंग की बात करूँ, रियल एस्टेट मार्केटिंग की बात करूँ, तो अभी हमारा कॉम्पिटिटर इसमें तो कोई नहीं है। दो साल पहले अगर मैं बात करूँ, तो जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो उस समय काफी कॉम्पिटिटर हमारे थे, लेकिन 2 साल के अंदर जो अचीवमेंट हमने हासिल करे है यहाँ पर, जिस तरह की टीम मेरे पास में वर्किंग कर रही है, जिस तरह का भरोसा क्लाइंट से हमें मिल रहा है, तो अब मुझे लगता है कि हमने बाकी इंदौर के अंदर तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अभी। Okay. जब आप इस फील्ड में आई थी तब लोगों का रिएक्शन कैसा रहा कि मतलब लड़की है रियल एस्टेट में जा रही है, और उस पर आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? देखिए, रियल एस्टेट में जब मैं आई थी तो जैसा मैंने बताया कि रियल एस्टेट में काम करना किसी फीमेल का बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बहुत बड़ी बात मतलब कोई भी उसको वो नहीं कर पाता था। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से भी मुझे प्रॉब्लम आई, क्योंकि लोगों की बातें सुननी मिलती थी, तो फैमिली इससे एक बार ये हुआ कि आप रियल एस्टेट में हो, और रियल एस्टेट में मैंने स्टार्टिंग बहुत शुरुआती दौर से करी थी, बहुत ग्राउंड लेवल से करी थी। मैंने घर घर जाकर पंपलेट भी बांटने स्टार्ट किए थे ताकि मेरी टीम मुझे देखकर काम करे, और मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती हूँ। तो जब मेरी फैमिली से किसी ने मुझे कंप्लेंट बांटते हुए देखा था, तो सबसे पहले रिएक्शन ये था कि आप ये क्या काम कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, कहीं पर भी सर्विस लग सकती है, फिक्स सैलरी वाला काम करो, ये कौन सी बात हुई कि आप घर घर जाकर कंप्लेंट बांट रहे हो? तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो कहे समाज क्या कहेगा, रिलेटिव क्या कहेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले आप उन रिलेटिव के नाम लिखिए, जो अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरी फैमिली में कोई मुझे पालन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी रोजमर्रा की जो खर्चे हैं वो चला सकता है या हमें पाल सकता है, तो ऐसे लोगों के नाम लिखिए जो 100% जिंदगी भर मेरी और मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो इसमें। तो अगर ऐसा कोई एक नाम भी आपको मिल जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो मैं समाज की परवाह से ये काम करना बंद कर सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो फिर मुझे वो करने दीजिए जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर धीरे धीरे फैमिली का काफी सपोर्ट मिला मुझे, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सुबह 5 बजे भी मुझे आना पड़ता है, तो रात के 12-1 बजे भी अगर कोई इवेंट है तो मुझे रुकना पड़ता है। तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो सीधी सी बात मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इतना बड़ा बिजनेस मैनेज करना, सारी कुछ चीजें देखना, और आपका सक्सेस मंत्र की बात की जाए तो वो क्या है? सक्सेस मंत्र तो एक ही है, दूसरों को फायदा पहुंचाते रहो, एक दिन बड़ा आदमी बन जाओगे। हमने जहां तक सुना है कि आप ब्लॉग लिखती हैं, तो आप बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, आप शायरियां भी करती हैं, तो 2 लाइन हमारे दर्शकों।
कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, आज हम आपसे मिले हैं, आप इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी है, तो आप आज के यूथ के लिए काफी सारे मतलब एग्जांपल्स दे सकती हैं, तो आप स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअल में जब मैं छोटी थी तो घर में बहुत बार बात होती थी, लड़कियां जैसे नॉर्मली होता है तो लोगों का ये मानना रहता है कि लड़कियों की जिंदगी सिर्फ इसी चीज में सिमटी हुई रहती है कि जन्म लिया, उसके बाद में बड़े हुए, पढ़ाई जो भी कुछ लोग करवाते हैं कुछ लोग नहीं करवाते, उसके बाद मैरिज होती है, बच्चे होते हैं और उनको पालने में ही मतलब लाइफ निकल जाती है। तो एक दिन ऐसे ही कुछ बात हो रही थी घर में, तो घर में मेरे सामने भी ये बात हुई थी कि लड़कियां हैं, लड़कियों को करना क्या है, शादी होगी, बच्चे हो गए, उनको पालते पालते जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ये उस समय की बात है जब मैं शायद छठवीं या सातवीं क्लास में थी, उसी समय मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरी लाइफ इससे चेंज होगी, मैं सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहूंगी। और मैं बाकी लड़कियों को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें जब यहाँ पर पैदा करके भेजा है, मतलब एक इंसान बनाकर भेजा है, तो हम अपने लिए तो सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाए कि अगर हम इस देश में आए हैं तो देश के लिए कुछ हो और हमारा खुद की एक पहचान हो, छोटी सी पहचान हो लेकिन अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.